नमस्कार प्यारे साथियों, चलिए क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को चेकआउट कीजिए। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? नीचे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो जिन्होंने यहाँ डी पर टिक किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी के साथ। सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली, सबसे महंगा कौन सा कंप्यूटर होता है प्यारे साथियों? याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर। और प्यारे साथियों, इन सभी की जो पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, वहां पे हमने शेयर कर दिए, वहां से आप इजीली इनको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो जिन्होंने यहाँ डी पर टिक किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी के साथ। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो याद रखेंगे प्यारे साथियों, चतुर्थ पीढ़ी के। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो जिन्होंने यहाँ डी पर टिक किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी के साथ। भारत में निर्मित कौन सा कंप्यूटर प्यारे साथियों? परम कंप्यूटर। ये किस प्रकार का कंप्यूटर रहेगा? तो याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत, अमेरिका, चीन, यूनान। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी के साथ। सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा रहेगा? तो याद रखेंगे अबेकस। और इसका आविष्कार किस देश में किया गया? तो याद रखेंगे चीन में। किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे ली काई चेन के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? जी एकल, एवा लेवलेस, चार्ल्स बेबेज, सीमेन कोर्सकोब। तो जिन्होंने सी पर टिक किया, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी के साथ। एनालिटिक इंजन का निर्माण किन्होंने किया साथियों? तो याद रखेंगे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किन्होंने किया था? जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन माउकली, इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने ए पर टिक किया, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए के साथ। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किन्होंने किया साथियों? तो याद रखेंगे जोसेफ मेरी ने। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जेक्यूड, ब्लेज पास्कल, वॉन न्यूमन। तो जिन्होंने यहाँ डी पर टिक किया, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी के साथ। प्यारे साथियों, कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो याद रखें वॉन न्यूमन का। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किन्होंने किया? चार्ल्स बेबेज, सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जे एस किल्बी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किन्होंने किया? तो जिन्होंने डी पर टिक किया, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, जे एस किल्बी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने यहाँ ए पे टिक किया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए के साथ। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो याद रखेंगे आयरन ऑक्साइड की। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत, लॉजिकल। तो जिन्होंने बी पर टिक किया, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी के साथ। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ऑप्शन बी, गणना के सिद्धांत पर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडेक। तो जिन्होंने यहाँ सी पर टिक किया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी के साथ। भारत में विकसित कौन सा कंप्यूटर प्यारे साथियों? परम। और ये कैसा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। इसका विकास किस संस्था ने किया? तो याद रखेंगे सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया। और ये कहाँ पे किया गया प्यारे साथियों? तो याद रखेंगे पुणे के अंदर। निम्न में सबसे तेज कौन सा है? रजिस्टर, सीडीरोम, रैम, केस। तो जिन्होंने ए पर यहाँ पे टिक किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए के साथ। सबसे तेज इनमें से कौन है साथियों? ऑप्शन ए, रजिस्टर। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को बनाया था? वॉन न्यूमैन, प्रेस्पर एकट एंड जॉन मोसले, जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज। इंपोर्टेंट पर्सन है, अगर पूछा जाए सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखेंगे प्यारे साथियों एनिएक। और इसको किसने बनाया? तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, प्रेस्पर एकड और जॉन मोसले ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। डॉट मैट्रिक्स
किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। जिन्होंने ए को सिलेक्ट किया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए के साथ। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो याद रखेंगे प्रिंटर की। और कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19, 24। तो जिन्होंने बी पे टिक किया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी के साथ। कीबोर्ड में प्यारे साथियों फंक्शन की कितने प्रकार की हैं? तो याद रखेंगे 12। कौन कौन सी? F1 से लेकर F12 तक। ये आपके यहाँ पे क्या रहेंगे साथियों? कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। इनमें कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। तो जिन्होंने ए पे टिक किया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए के साथ। इनमें से प्यारे साथियों कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन ए मॉनिटर। मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो याद रखेंगे आउटपुट डिवाइस है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। तो जिन्होंने यहाँ बी पे टिक किया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी के साथ। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है प्यारे साथियों? तो याद रखेंगे लेजर प्रिंटर। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? नीचे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए। तो प्यारे साथियों एलसीडी का पूरा नाम क्या है? जिन्होंने ए पे टिक किया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए के साथ। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम क्या है साथियों? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्यारे साथियों आज इस मॉक टेस्ट का ये लास्ट प्रश्न रहेगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे टोटल प्रश्नों में से आपका यहाँ पे कितना स्कोर रहा। और इन सभी की पीडीएफ प्यारे साथियों अपने टेलीग्राम चैनल पर हमने शेयर कर दी, वहां से आप इजीली इनको चेकआउट कर सकते हैं। 1x1 वीडियो में आपको इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।